पीछे ना रे, पीछे नहीं आ सकते भाई, नहीं आ सकता पीछे। फोटो वो ले रहे हैं, वीडियो लेता बेटा। फोटो हो गया, मनोज हो गया। हाइट लेना थोड़ा। वो मोबाइल है सेंटर लो, मैम सेंटर लो मोबाइल। सो आप चार बैठ जाओ। मेरे किधर क्यों कर दिए यार, तू इधर आ यहां पे तेरे को अच्छा आ रहा है। मैं संदेश भी फोटो लेने वाला है, लगाने उसको बहुत साइड में देने वो आपने के बाद क्या नाम है सुधीर नाम है सर, पता है दादा नीचे जो जो भी। सो चारों स्टार्स को तो आप लोगों ने फिल्म पे देख लिया है, उसके अलावा विक्रम है यहाँ पे और कुछ लोग हैं जैसे गोविंद नामदेव जी और अखिलेंद्र मिश्रा वगैरह हमारे साथ। वो गोविंद नामदेव जी और अखिलेंद्र मिश्रा इनके यहाँ भी गणपति हैं, नहीं आ पाए। जॉय सेन गुप्ता का फ्लाइट लेट है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको उनको। और इन सबको तो आप जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पर्दे पे नहीं होते हैं मगर पीछे होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से की रोल एक संदेश जी प्ले कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने म्यूजिक दिया है और म्यूजिक से फिल्म यहाँ से यहाँ पहुँची है। सो बिग हैंड फॉर संदेश जी, बिग हैंड फॉर संजय सूरी जी, तनिष्ठा जी, पूजा जी और बमन जी। एंड वन मोर पर्सन बिहाइंड द सीन्स, जो कैमरे के पीछे जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है और बहुत ही खूबी से आगे बढ़ाया है, इस तन्वी जैन। एंड सबसे अहम भूमिका होती है जो आदमी पैसा देता है और बोलता है कि आप फिल्म बनाओ, अच्छे से बनाओ, वो काम आनंद चौहान ने किया है। ओके, आनंद चौहान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हमारी फिल्म के दो को प्रोड्यूसर हैं विनायक गवांडे जी और जयेश पारेख जी, वो नहीं हैं और मगर हम उन सबको याद करते हैं। और उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे टीम में, रश्मि जी हैं, हेमा जी हैं, राहुल जी हैं, जीनत जी हैं, संजय भेटकर हैं, अमन है, सेमांतिक हैं और मुझे कौन दिख नहीं रहे हैं, किसी का नाम अगर छोटा हो तो बाद में फिर हम बताएंगे। तो वी विल गेट इनटू पैनल एंड द पैनल इज मोस्टली अबाउट द फिल्म, देयर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट अ फिल्म लाइक दिस नीड्स टू डू। आई पर्सनली फील, दो लाइन में बोल करके मैं पास ऑन करता हूँ, मुझे जो लगता है कि हम बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, इन द सेंस दैट सडनली इवन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन नोट ऑफ इश्यूज लाइक दीज। और हमारे पास एक ऐसा पावरफुल मीडियम है सिनेमा, जो अगर आपने बना लिया है और उसमें इस कैलिबर के आर्टिस्ट्स हैं तो वो फिल्म बहुत लोग देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। और फिर फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती है, सब्जेक्ट छोटा बड़ा होता है और मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट शायद किसी ब्लॉकबस्टर से बहुत ऊंचा है। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म के एक्सपीरियंसेस के बारे में और किस तरह का एक बदलाव ये फिल्म ला सकती है, ये सब हम बातें करेंगे। ये एक ऐसा जॉनर है जो रश्मि जी जानती हैं बहुत अच्छे से, हमारे इम्पैक्ट एडवाइज़र हैं, जो ये ऐसा जॉनर एक बनता जा रहा है फिल्म फॉर चेंज, जो कहानी होती है बहुत एंटरटेनिंग स्टोरी होती है मगर वो कुछ कहना चाहती है, आपको कुछ पहुंचाना चाहती है आप तक कुछ है। तो वो सब को लेकर के ये फिल्म में हम चाहते हैं कि आप जितने अच्छे से उसको लिखेंगे, जितने अच्छे से पेश करेंगे, उतने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग आएंगे
लाखों की तादाद में देखने के लिए। तो आप सबका उतना ही हाथ है जितना इन सब का हाथ यहाँ पे, और अब हमारे जो टीम है यहाँ पे, हमारे जो टीम नहीं है, और आप लोग सबका किसका हाथ बड़ा है कम है कहना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। आई पास ऑन द माइक टू, वी विल स्टार्ट विद, लेट द क्वेश्चंस कम। ओके ओके ठीक है। तो पहले राउंड एक हम दो दो मिनट का कर लें, एंड देन आई थिंक ठीक है। तो एक दो मिनट का, एक एक मिनट दो दो मिनट करके हम सबको माइक बढ़ा देते हैं, सो दैट यू हैव बेटर कॉन्टेक्स्ट। यू ऑल्सो हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेलर एंड द सॉन्ग, तो और जो भी और प्रेस सर्कुलर वगैरह है आपके सामने, आप उससे उसके बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद संजय सूरी। थैंक यू ब्रह्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को गणेश चतुर्थी की मुबारक। आप इस फिल्म का हिस्सा बन पाया, खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी कहानियों से जुड़ना एक ये आदमी एज एन एक्टर और प्रोफेशनल अलग रीजंस के लिए करता है, और ऐसा नहीं है दे टुक केयर ऑफ अस कम्प्लीटली, बट जैसे ब्रह्मा ने कहा, कॉज जो आइडिया है फिल्म का, कॉज सिनेमा, कभी कभी आप फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, और आप उसको अपने साथ घर ले जाते हैं, और आपके साथ वो फिल्म रहती है, उसका मैसेज या उसका कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा इमोशन आपके साथ रहता है। पहले जब मैं भी बड़ा हो रहा था, फिल्मों से निकलते थे, कोई राजेश खन्ना के स्टाइल में बाहर निकलता था, कोई राज कपूर साहब की वॉक में बाहर निकलता था, कितना असर होता था एक एक्टर की परफॉर्मेंस को देख के। और कभी कभी कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको सेंसिटाइज कर देते हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है बड़ों को तो ज़रूर देखना ही चाहिए। छोटी सी बात है, हम सब बड़े होना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आप सब भी बड़े होना चाहते हैं कि हमें गाड़ी चलाने को कब मिलेगा, हम कॉलेज कब जाएंगे, हम मम्मी पापा से नहीं पूछना है कुछ भी वगैरह वगैरह। और मैं इतना आपको कह सकता हूँ, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम हमेशा बचपन की बातें करते हैं, हम बचपन को याद करते हैं, तो उस बचपन में कुछ था जो हम बहुत जल्दी खो देते हैं। कल ही हम एक और कहीं एक शो पे गए थे, तो सब कह रहे थे कि आपको ऐसा वाक्या सुनाएं जो आपका बच्चा करता है, और सब इंसिडेंट्स ऐसे थे कि जब पेरेंट्स शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो बच्चों को सिखा रहे थे अब सच बोलो, लेकिन वो खुद ही छोटे छोटे झूठ बोलने लग जाते हैं। जैसे किसी का फ़ोन आता है, उनको बोल दो मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, वहाँ से एक छोटे बच्चे पिकअप करते हैं और कहते हैं आप तो हमें सच बोलना सिखाते हैं लेकिन आप खुद झूठ बोलते हैं। तो ये बहुत बारीकियाँ होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हमको कैसे खराब करते रहते हैं। एक्चुअली हम सही आए थे इस दुनिया में, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े बनते हैं। और अभी इनिशियली जब वेलकम किया तो हम बोला, सॉरी दो मिनट हो गए, बस 10 सेकंड और, कि बच्चा पार्टी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी कभी आपने सुना बड़ा पार्टी, बुड्ढों की पार्टी नहीं, बच्चा पार्टी। तो जो दिल तो बच्चा है जी, वो रहना चाहिए हमेशा, और हमेशा आई थिंक हम सबको भी अपना बचपन उसको पकड़ के रखना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए। जैसे झलकी ने की अपने भाई को ढूंढने में, हमें खुद मेहनत करनी चाहिए कि अपने बचपन को हम ढूंढें और बच्चों से उनसे कुछ सीखें। तो आई नो जब आप माँ बाप बनते हैं तो बहुत एक सेंसिटाइजेशन हो जाती है, लेकिन ये उन सब के लिए भी है जो अभी माँ बाप नहीं बने या बनने का सोच भी नहीं रहे। बस वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल इनिशिएटिव एंड ऑफ झलकी। थैंक यू। संजय की एक्सटेंशन, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में एक्चुअली बच्चों को लेकर फिल्में और बच्चों के लिए फिल्में ये चीज़ें होती भी नहीं है ज़्यादा, बहुत मतलब बच्चों को जब हम दिखाने ले जाते हैं फिल्में, तो ज़्यादातर वो हॉलीवुड की फिल्में ही दिखाते हैं। बट आई थिंक इस फिल्म की एक बहुत अहम खासियत है कि जबकि ये सब्जेक्ट बहुत सीरियस है,
लेकिन इसको जिस तरह से दिखाया गया है कि बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि वो सेंसिटाइजेशन जो है वो बचपन से ही होना चाहिए, तभी जाके हम लोग रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन पाते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ जो है जब तक हमारे पॉप कल्चर में नहीं होगा तब तक हम लोग सेंसिटिव होके ग्रो अप ही नहीं करेंगे। हमें लगता है कि अच्छा बच्चों के लिए हम लोग ये इस टाइप की कहानियाँ रखते हैं और बड़ों के लिए अलग कहानियाँ रखते हैं। ऐसा होता नहीं है, बच्चे बहुत शार्प होते हैं और उनको समझ आ जाती है चीज़ें। और मतलब इस फिल्म की ये खासियत है कि जैसे हम लोगों ने म्यूज़िक वीडियो में भी देखा है कि बच्चों को जिस ढंग से कहानी समझ में आए, कहानी उस ढंग से कही गई है। तो एक मतलब बहुत बेसिक भाई बहन के रिलेशनशिप में जो एक बेसिक इमोशन होता है उस थ्रेड को भी फॉलो किया गया है जो हर बच्चा भी रिलेट कर पाएगा। सो आई थिंक कि पॉप कल्चर के थ्रू भी हम लोगों को ये एक्सटेंशन जो है, ये सेंसिटाइजेशन जो है, ये बच्चों में भी इनकल्केट करना चाहिए। और जैसे संजय ने कहा, आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम कि वो लोग बहुत शार्प, बहुत ओपन, बहुत सही पैदा होते हैं, फिर हम लोगों को उनको गलत कहानियाँ सुना के भी बिगाड़ देते हैं। तो उनको भी सही कहानी की एक्सपोजर जो है वो हमको बचपन से ही देनी चाहिए। और आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और जो जो इम्पैक्ट और चेंज की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की फिल्मों का पार्ट होना मेरे लिए पर्सनल लेवल पे एक्चुअली इट हैज़ इम्पैक्टेड मी, कि मैं बच्चों के साथ जब काम करती हूँ और ये कहानियाँ सुनती हूँ, ये सब सुनने के बाद, इसके थ्रू जाने के बाद, मुझे उस ये पहली चीज़ ये कि मुझे पर्सनली इम्पैक्ट करती है। उसके बाद तो मैं बाकी लोगों को कह सकती हूँ कि देखो ये कहानी आप लोगों को इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं। इस टाइप की फिल्में जो हम लोग जो इस फिल्म के पार्ट है, इसने मुझे पर्सनली इम्पैक्ट किया है और इस पर्सनल इम्पैक्ट की वजह से मैंने कुछ किया भी है ज़िंदगी में। सो आई मीन दैट इज़ माई पर्सनल दिस थिंग, आई डोंट वांट टू शेयर इट हियर, बट आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि जो लोग जुड़ के काम कर रहे हैं कैसे ये कहानी हम लोगों को कैसे इसने इम्पैक्ट किया है पहले। नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में या दुनिया में और क्या क्या हो रहा है। थैंक यू ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी ने मुझे फिल्म की कहानी सुनाई तब मुझे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत हीरो हैं जिनको आप जानते हैं और भी कुछ फील्ड्स में, लेकिन कुछ ऐसे हीरो हैं हमारे देश में जो हम कभी हमारे नज़रअंदाज कर जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। और जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाते, जो हमेशा बचपन से ही काम करते हैं और बहुत बुरे हालात में जीते हैं, उनको वहाँ से निकाल के उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ कि उनके लाइफ के ऊपर उन्होंने ये फिल्म बनाई है और बोमन ईरानी जी ने उसको बहुत खूबसूरती से उसको निभाया है। और क्योंकि अगर ऐसे कलाकार इस फिल्म में आएंगे तो ऐसे कॉज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी, दिव्या जी एंड अनिष्ठा। बिल्कुल, कैलाश जी का हिस्सा छोटा है मगर इतना पावरफुल है कि वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी हमारे डायरेक्टर से, ब्रह्मानंद सिंह। इनसे मेरा तारुफ हुआ था जब मैंने पंचमदाह की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला कि कौन शख्स है जिसने इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई। और उसके बाद जगजीत सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री देखी एंड एक मन में ये ज़रूर था कि इनके साथ काम ज़रूर करना है, बिकॉज अगर आपने देखी है वो डॉक्यूमेंट्रीज तब भी ब्यूटीफुल। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए इन्होंने मुझे कहा इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए।
जैसा संजय ने बहुत सही कहा कि हम जब बड़े हो जाते हैं अपना बचपन याद करते हैं, तो हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे बचपन बहुत बचपन की तरह ही थे, जहाँ हमने शरारतें की हैं, हमें जो कभी मन किया कि हमें ये चाहिए हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हमने खेल कूद भी किया है, जहाँ पर डांट करनी है, मिस्टेक्स करनी है, एवरी थिंग दैट इज चाइल्डहुड, हमने वो सब किया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आप फिल्म में भी देखेंगे जो चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं और वो अपना बचपन ही नहीं जी पाते। सो कैलाश जी के जीवन पर ये जो कहानी, इनफैक्ट मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिला, एंड 50,000 से ऊपर कितने बच्चों को, 85,000 बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर से बचाया और आज भी कर रहे हैं। नोबेल प्राइज उन्हें इसकी वजह से मिला और बिल्कुल पैशन उनका ऐसा है कि जान भी जोखिम में डाल के फिर भी बच्चों को बचा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री, उन पर जो बनी है एक डॉक्यूमेंट्री, वो देख रही थी, जो एक्चुअल बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, पहले डर था कि हमें किस खौफनाक जगह से आप निकाल के नॉर्मल जिंदगी में वापस डाल रहे हो, और पेरेंट्स जो अनश्योर थे कि अब हम इन्हें नॉर्मल चाइल्डहुड कैसे दें, लेकिन जो एक रिलीफ था कि नाउ वी आर फ्री, वो उस इंसान ने किया है। वमन हैज रियली डन सच अ फैबुलस जॉब ऑफ प्लेइंग हिम, एंड आई थिंक वी आर अ फैबुलस टीम हियर। बहुत हंसते खेलते मिर्ज़ापुर में हमने शूट किया, तन्वी हैज को डायरेक्टेड इट, 48 डिग्री सेल्सियस तो लेकिन हंसी मजाक में बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी फिल्म बनी है, एंड इट्स ऑल हार्ट। और जहाँ बच्चे होते हैं मुझे लगता है वहाँ एनर्जीज भी वैसी रॉ हो जाती हैं, आप सब अनलर्न कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों बच्चों को देखते देखते हम भी कहीं ना कहीं बचपन में गए, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट इन द फिल्म व्हेन यू सी इट। सो या इट्स बीन ग्रेट, थैंक यू। हम लेंगे आपकी, थोड़ा ब्रेक करते हैं, बमन पे बाद में आते हैं, कपड़ों से मैच करते हुए पहले हम तन्वी और आनंद से और फिर थैंक यू यस हाथी Thank you everyone, thank you for coming here on Ganpati Day, Chutti Day, and I'm so glad, thanks to the entire cast for making it today. Aur sabne itni sari baatein kahi thi, ab kya bola jaye? We want to thank you. Yeah. Brahma to hum sabko control kar rahe the, wo Brahma ji ka ho jayega, chinta mat karo. लाए हैं और इतनी अच्छी तरीके से ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है, हश हश नहीं है, दो बार ट्रेलर भी दिखाया है नहीं मैं वाकई very very nice to be working with Tanvi, you, and of course Brahma and the entire team. Thank you, and I'd also like to thank Angel Express, जहाँ के बच्चे हमारे साथ हैं. One round of applause. In fact, इसका ये फिल्म का hashtag है I am with झलकी. एक बहुत बड़ा movement शुरू हो गया है. ये सभी बच्चों ने t-shirt भी पहन रखी है I am with झलकी, but it's becoming a big movement. And that is also the place from where we got Aarti, Jhalki, Hamari Jhalki. Aarti, come here. Please come here. So, thanks to them and. Okay. And Aarti and Gorakh, फिर हम अलग से भी सकते हैं. And Gorakh. Yes. The little star. Yes. Star, yes. Namaste. मुझे एक लगता है कि हमारे समाज में हमेशा बोला जाता है बच्चे मन के सच्चे या बच्चे कल के नागरिक है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, एनजीओस अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं बॉलीवुड के वो सपोर्ट में आ जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने एक ये खुद का एक सपना देखा ये झलकी के मूवी में और वो 27 को पूरा होने वाला है, तो जिस तरह से उनका एक सपना है और उसमें एक हम लोगों को एक पार्ट होने का एक मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि बहुत सी बार मूवी प्रोड्यूस करना तो पहले उसका कमर्शियल एंगल देखा जाता है
और बाकी सारी चीज़ें देखी जाती है, बट मुझे लगता है कि जब ऐसे कॉज के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ करना हो तो मुझे लगता है ब्रह्मा जी जैसा एक विजन होना चाहिए, कैलाश सर है और पूरी जो कास्ट है, इन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मराठी में एक मूवी आई थी जो रितेश देशमुख ने प्रोड्यूस की थी, बालक पालक, और वो किड्स और पेरेंट्स इनके रिलेशनशिप पे थी। तो 2013 में बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी, बहुत अच्छी तरह से चली। मैंने उसके राइट्स लिए और उसको तेलुगु और तमिल में बनाया। और ये ऐसी बात हुई है कि अभी सेकंड प्रोजेक्ट भी बच्चों के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है कि यही कुछ एसोसिएशन है जो आगे चलते रहेगा। और आप प्लीज़ हमें आपके आशीर्वाद रखिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।